दिल्ली के उद्योग नगर के पीरागढ़ी एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग सुबह 4 बजे लगी। इसके बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। आग बुझाते वक्त ही फैक्ट्री में एक धमाका हुआ और बिल्डिंग ढह गई, जिसमें कुछ लोगों के साथ कई दमकल कर्मी भी फंस गए हैं। फिलहाल एक दमकल कर्मी का रेस्क्यू कर लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में सुबह आग लगी। आग की लपेटें इतनी तेजी थी कि पल भर में चारों तरफ फैल गई। हादसे के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से फैक्ट्री की इमारत ढह गई। इस हादसे में 14 लोग घायल हैं, जिसमें 13 दमकल कर्मी हैं।